अहमदाबाद से बंगलुरु जा रहे गो एयर के एक विमान में इंजन में उड़ान भरते वक्त मामूली आग लग गई। एयरलाइन गो एयर ने बताया कि गो एयर विमान की 8802 के दाएं इंजन में किसी अनजान वस्तु के टकराने की वजह से आग लग गई। उन्होंने बताया कि ये घटना उस वक्त घटी जब विमान टेक ऑफ के लिए तैयार था। विमान में सवार सभी पैसेंजर और क्रू सुरक्षित है। किसी संदिग्ध वस्तु के टकराने से ये आग लगी और अब इसे बुझा दिया गया है। बंगाली फिल्मों के जाने माने अभिनेता एवं तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद तपस पॉल का मंगलवार तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 61 साल के थे। बताया जाता है कि पॉल अपनी बेटी से मिलने मुंबई गए थे। कोलकाता लौटते वक्त मुंबई हवाई अड्डे पर उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें जुहू के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते भारत दौरे पर होंगे और दिल्ली, अहमदाबाद, आगरा का दौरा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद में तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। यहां की दीवारों पर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की झलक दिखाई देगी। इसे बनाने वाले अशोक बड़जातिया का कहना है कि ग्रीन एनवायरमेंट के मैसेज के साथ इस पेंटिंग को बनाया गया है। यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आज विभिन्न विषयों पर परीक्षाएं थी। छात्रों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हैं, लेकिन इस बार मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में वे अपनी ही पूर्व की सरकार को कटघरे में खड़ा कर बैठे। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि इस सरकार ने हर भारतीय महिला का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो बहस की है उसमें कहा है कि सेना में महिला अधिकारी कमांड पद के लायक नहीं हैं और ना ही वे स्थायी नौकरी के लायक हैं, क्योंकि महिलाएं पुरुषों से कमतर हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद राहुल गांधी का ये ट्वीट उन पर ही उल्टा पड़ गया। शतरंज की बिसात शकुनी मामा के वक्त से दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी शतरंज की बिसात से जो कि अनोखे प्रकार से तैयार की गई है। एक राजस्थानी पत्थर कलाकार ने 1.25 लाख रुपए का शतरंज बनाया है। जी हां, याकूब कुरेशी और उनके परिवार ने गोमेद संगमरमर से ये विशेष बिसात बनाई है। बता दें कि शतरंज बनाते वक्त किसी भी कृत्रिम रंगों का उपयोग नहीं किया गया और इसकी खास बात यह है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में ढाल और लाठियों से खेले जाने वाली बरसाने की अद्भुत लठमार होली एक बार फिर पर्यटन का विशेष आकर्षण बनने जा रही है। बरसाने की लठमार होली को राजकीय मेले का दर्जा दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार आगामी 4 मार्च को इसके आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरसाने की लठमार होली का शुभारंभ करेंगे। वे यहां नंदगांव से आने वाली ध्वजा का पूजन कर लठमार होली का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। महक कुमारी को न्याय दिलाने के लिए लंदन में पाकिस्तान के उच्चायोग के बाहर कई प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। महक एक नाबालिग हिंदू लड़की है जिसे जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया और एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की गई। असम के गुवाहाटी में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 का आयोजन किया गया। इसमें फिल्मी दुनिया के तमाम बड़े सितारों ने शिरकत की। हर बार ये सितारे इवेंट्स में खुद को यूनिक लुक देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस बार भी ऐसा देखने को मिला। इवेंट में लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी ने आकर्षित किया तो वो एक्ट्रेस उर्वशी रोतेला थी, जो कि अपनी रेड ड्रेस में काफी यूनिक नजर आई और उन्हें ट्रोल भी किया गया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली इन दिनों न्यूजीलैंड में हैं, जहां वे 21 फरवरी से शुरू होने वाले 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला की तैयारी कर रहे हैं। विराट कोहली ने टेस्ट मैच की तैयारियों के दौरान अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक रोमांटिक पल भी बिताया। विराट कोहली ने एक दिवसीय श्रृंखला समाप्त होने के बाद विराम लिया और उन्हें न्यूजीलैंड की प्रसिद्ध जगहों पर घुमाने ले गए।
दोनों ने न्यूजीलैंड में ही वैलेंटाइन डे मनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक पल साझा किया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।